ओबीसी माइनॉरिटी को रिजर्वेशन और रिजर्वेशन इन प्रमोशन देने का वादा करती हैं और सत्ता में आते ही उनके विरोध में काम करना शुरू कर देते हैं। जिन संस्थाओं ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की है उनका अपना अस्तित्व ही जाति आधार पर है। डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा ब्राह्मण होने की वजह से आप उसके सदस्य बन सकते हैं, महाजन सभा के आप महाजन होने की वजह से सदस्य बन सकते हैं, राजपूत अग्रवाल और जैन भी आप उस कुल में उस खानदान में जन्म लेने की वजह से बनते हैं जो इन सेक्ट्स को बिलोंग करते हो। एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी काबिल क्यों ना हो, पूरी दुनिया की नॉलेज उसे हो, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। कितना भी शूरवीर लड़ाका क्यों ना हो, वो राजपूत नहीं बन सकता। सबसे ज्यादा अमीर क्यों ना हो, दुनिया का सबसे रईस क्यों ना हो, वो महाजन या अग्रवाल नहीं हो सकता। जैन धर्म की सारी बातें मानता हो, वो जैन नहीं बन सकता। जिसके माता पिता ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य होते हैं वही इन बिरादरियों में सदस्यता ले सकते हैं। जब इन सभाओं का आधार जातीय है तो मैं ये पूछना चाहता हूं किस आधार पर वो हमारी जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर मिली हुई रिजर्वेशन को आरक्षण को चैलेंज करते हैं। जब तक इस देश में जाति आधारित भेदभाव रहेगा जाति आधारित आरक्षण देना पड़ेगा। ये रिप्रेजेंटेशन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज को देनी पड़ेगी और जाति आधार पर ही देनी पड़ेगी। अगर ये लोग जाति आधारित आरक्षण खत्म करना चाहते हैं तो मैं इनका स्वागत करता हूं। आइए जातियों को खत्म करते हैं। जिस दिन इस देश से जातियां खत्म हो जाएंगी उस दिन इस देश में दो वर्ग होंगे, एक गरीब एक अमीर, और तब हम आर्थिक आधार पर आरक्षण का विरोध नहीं करेंगे। आर्थिक आधार पर आरक्षण की हम भी आपके साथ मिलकर मांग करेंगे और जाति आधार आरक्षण को हम खत्म कर